हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारी फिर एक नई वीडियो में। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास एक ये लॉयड कंपनी की इन्वर्टर एसी की इंडोर की पीसीबी रखी हुई है। जैसा कि कस्टमर का इसमें कहना है कि पीसीबी ये डेड है, तो नॉर्मली हम हर बार अपनी वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को बताते हैं। इस बार भी इस वीडियो में आपको इस पीसीबी को रिपेयर करने का तरीका बताएंगे कि आसानी से इसको आप अपने ही पास पीसीबी को रिपेयर कर सकते हैं। इसमें कोई ज़्यादा खर्च नहीं आने वाला है। नॉर्मली कुछ चीज़ें आपको पता होनी चाहिए जिससे आप पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। तो आई होप, उम्मीद करता हूं दोस्तों कि वीडियो को आप लास्ट तक देखेंगे, जिससे कि आपको चीज़ें एकदम क्लियरली समझ में आ जाएंगी कि आपको किन किन स्टेप्स को फॉलो करके इस पीसीबी को रिपेयर करना है। तो जैसा कि हमारे पास देखते हैं, पीसीबी रखी हुई है और हमारे पास ये पावर सप्लाई है। यहाँ पे ये लीड है, इस लीड में हम कनेक्ट कर देंगे इसको। तो यहाँ पे हम इस पावर सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं। उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं, डिस्प्ले रखी हुई है। पीसीबी को हम ऑन करेंगे, ऑन करके चेक करेंगे कि जैसे कस्टमर ने कहा था कि ये नॉर्मली डेड है, और यहाँ पे हम सप्लाई चेक करा देते हैं आपको। हम ये सीरीज़ में लगा हुआ है, देख सकते हैं, तो सप्लाई आ रही है बट पीसीबी डेड है। तो नॉर्मली अभी क्या है, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि नॉर्मली कुछ छोटी सी फॉल्ट होती है जिससे पीसीबी हमारी डेड हो जाती है। उन चीज़ों को आपको पता होनी चाहिए। अगर वो पता होंगे तो आप पीसीबी को आसानी से रिपेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर पीसीबी रिपेयरिंग की वीडियो आपको जो हम बनाते हैं, अगर वो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए और अपनी सुझाव को हमें कमेंट में बताया कीजिए, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ बना सकें। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। नॉर्मली दोस्तों, जैसे कि देख सकते हैं, हमारे पास ये लीड है और इस लीड की ट्रेसिंग अगर आप देखेंगे, ये लीड जो यहाँ पर आ रही है, यहाँ से ये ब्राउन वायर जो हमारा है यहाँ पर लगा हुआ है, तो यहाँ पर ये लाइन इन है और ये वाइट वाला तार न्यूट्रल है। तो अभी क्या करते हैं, देखिए दोस्तों, हमारे पास ये एक लीड है, ये मैंने निकाल दी। अब इस लीड को हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे, तो देख सकते हैं दोस्तों, ये पीसीबी हमारी ऑन हो चुकी है। अब ये पीसीबी ऑन हो गई है, बट ये लीड से क्यों नहीं ऑन हो रही है? लीड तो हमारी सही है, तो अब लीड सही है फिर भी पीसीबी ऑन नहीं हो रही है। तो इसके लिए क्या करना है दोस्तों, आप जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कनेक्टर है हमारे पास। इस कनेक्टर को हम यहाँ से ओपन कर लेंगे। यहाँ से ओपन करने के बाद इस तरीके से इसको हम बाहर निकाल लेंगे। तो नॉर्मली दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ पीछे ये कनेक्टर को ओपन करने के लिए यहाँ पर बना हुआ है। तो इसको हम क्या करते हैं, यहाँ से इस जिया से इसको ओपन कर लेते हैं। तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसको हमने ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं, यहाँ से तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा हम लोगों को। तो हम क्या करते हैं, इसको वापस से फिर पैक कर देंगे, क्योंकि यहाँ पे अभी हमें कुछ भी ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा कि यहाँ से कुछ डैमेज हो, तो मे बी यहाँ से तो नहीं है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, फिर से पैक कर देंगे। यहाँ से इसको पैक कर दिया। तो अब ये देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो ये लाइन और न्यूट्रल है, ये चीज़ भी अलग हो सकती है। तो इसको हम यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए दोस्तों, ये हमने निकाल दिया है। अब यहाँ पे आप दोस्तों देख पा रहे होंगे कि इसको लाइन को पहले यहाँ से बंद कर लेते हैं। ये यहाँ पे कुछ थर्मल फ्यूज़ लगे हुए हैं, देख सकते हैं दोस्तों, इसको हम निकाल के दिखाते हैं। ये यहाँ पे कुछ थर्मल फ्यूज़ लगे हुए हैं, तो ये थर्मल फ्यूज़ ख़राब हो जाते हैं, जिसके कारण से जो है ये हमें पीसीबी हमारी डेड होती है। तो अभी हम क्या करेंगे, इस थर्मल फ्यूज़ को यहाँ से हम कट कर देंगे। कट करने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको सीधे यहाँ पे जंपर कर देंगे। इसको यहाँ पे सीधे जंपर कर देंगे। उसके लिए हम क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा पेस्ट अप्लाई कर लेते हैं। पेस्ट अप्लाई करने के बाद इसको आयरन की मदद से हम शोल्डिंग कर देंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो हमारी पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। हम आपके लिए इसी तरह के और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ लाया करते रहते हैं हमारे अपने चैनल पे। तो इससे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको फ्यूचर में इस तरह की सारी जानकारियाँ जो भी हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाइंस होम अप्लाइंस रिपेयर से रिलेटेड है, सारी चीज़ें आपको मिलती रहा करेंगी और अपनी चीज़ों को आप आसानी से रिपेयर कर पाए करेंगे। जो देख सकते हैं, हमने यहाँ पर इसको शोल्डर कर दिया है। और अब क्या करेंगे, इसको हम यहाँ वापस से इसको इस तरीके से लगा देंगे। लगाने के बाद इसको हम फिर से वापस वैसे ही बैठा देंगे। तो दोस्तों देख सकते हैं, हम इसको बैठा दिया है। लाइन और न्यूट्रल हमारे यहाँ पर कनेक्टेड है। अब हम पीसीबी को वापस से ऑन करेंगे। तो नॉर्मली हम पीसीबी को ऑन करते हैं, दोस्तों देख सकते हैं, हमारी पीसीबी ऑन हो चुकी है। तो नॉर्मली इन स्टेप से छोटी सी फॉल्ट की वजह से पीसीबी ऑन हो जाती है, और मतलब कोई खास ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, बट इसके क्या होता है, टेक्नीशियन बहुत ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं। तो नॉर्मली अगर आपको पता है, या अगर आप टेक्नीशियन हैं, तो आप खुद भी इसको कर सकते हैं। आपको किसी पीसीबी रिपेयर वाले बंदे के पास ले जाने की जरूरत नहीं है, आप खुद भी अपने हाथ से रिपेयर कर सकते हैं। और अगर आप एक होम ओनर हैं, या आपका खुद का अपना एसी, तो आप भी खुद अपने हाथ से कर सकते हैं, आपकी पीसीबी चुटकियों में रिपेयर हो सकती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि इसी तरह की आने वाली हर इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको पहले मिल सकें। और जब तक लिए आपसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में फिर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।